और चेतन को फुल उल्टी हुआ, उसमें थोड़ा खून भी निकला हुआ है। किती किलो धूळ घेतली? अर्धा किलो तर खाल्ले नेट। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह के बजे है 6:45 और आप धूप देखिए, धूप इतनी खतरनाक खिली हुई है। तो आज के दिन का प्लानिंग ऐसा है कि यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे, दारचा क्रॉस करते हैं, फिर बारालाचा क्रॉस करते हैं, सूरज तल दीपक तल पूरा देखते हुए हम लोग आज रात को जाएंगे सरचू में। मेरे हिसाब से 5 बजे तक मैक्स टू मैक्स हम लोग सरचू पहुँच जाना चाहिए आराम से एकदम। तो ये आज का दिन का प्लान है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, धूप खिली है, पूरे सब माउंटेन्स वगैरह, पूरे सब यहाँ के जो आसपास के पहाड़ है, क्योंकि ये जो होम स्टे है चारों साइड से पहाड़ों से घेरा हुआ है, और मस्त धूप जो पड़ी है उनके ऊपर बहुत ही औसम दिख रहे। तो चलिए करते शुरुआत आज के दिन की जर्नी की। मैं अक्षय और आप सभी का स्वागत है हमारे इस रोमांच भरे सफ़र में, लद्दाख सफ़र में। हम वैसे तो प्रॉपर टाइम पे है और यहीं पे ब्रेकफास्ट मिल गए, तो हमने सोचा कि आगे जाके ब्रेकफास्ट करने से अच्छा इधर ही प्रॉपर खा के निकले। तो आज मेनू में है ब्रेड ऑमलेट, हम दोनों भी खा रहे हैं, और टोस्ट बटर टोस्ट भी है। तो खाते हैं फटाफट और निकलते हैं, आज का जर्नी अपना स्टार्ट करते हैं। चला गणपति बाप्पा मोरिया, देखिए सामने का नजारा बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहे। डू नॉट मिक्स लिकर विद द स्पीड, या इट इज। मैं थोड़ा बीच बीच में नॉइज पकड़ रहा है। दारचा का ब्रिज, और मेरे हिसाब से ये इंडिया का भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जो हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ है, फेमस ब्रिज है ये। ये जो आपको चेक पोस्ट दिख रहा है सामने, ओ दार्चा की जगह अभी इधर कर दिया है क्या। वहां से हम लोग आए नीचे से, दार्चा से जो ब्रिज वहां पे, और ये रोड जाता है आगे जिसको बोलते हैं गेटवे ऑफ संस्कार, और ये ऊपर जो रास्ता घूम के जाता है वो सरचू को जाता है। तो मिल गया सारा जहां मैं चाहूं मैं क्या, तेरे नैना बसती है, तेरे बीच अरमा है, पास आके जरा देखो ना, असच मी काय पण गाणी म्हणत असतो, मध्या दे मध्या दे, अरे 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 अरे, महाराष्ट्र हास्य चत्र सारखी गाणी म्हणतो, असं वाटतं समीर चौगुले तुझ्या अंगात घुसतो, आणि मी आता राईम जुळवतो पण एकदम बकवास काहीतरी गाणं बनवतो। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मुझे पता है अब कि माइक लगा हुआ है और अच्छा खासा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, तो थोड़ी गाने गाने का मन कर रहा है। लोगों को मेरा अनदेखा टैलेंट दिखाने का मुझे बहुत मन कर रहा है, ताकि ये टैलेंट देखते हुए लोग मुझे बोले कि थैंक यू वेरी मच, हम लोगों ने तेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है। झरना है और ये हल्का फुल्का ऑफ रोड, बहुत ही मस्त नज़ारा है। ये भाई लोग रुके हुए हैं, क्या इनके बाइक को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं लग रहा है, कुछ बोले नहीं, इसका मतलब दे आर ऑल गुड। लोग बोलेंगे भाई तू बिना माइक का ही अच्छा था, कुछ भी बके जा रहा है और हर टाइम पे राइम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, विच इज़ वेरी बैड, बट कोई बात नहीं, थोड़े अच्छे वर्ड्स ढूंढ लेता हूँ हिंदी में। मराठी होता तो भाई अब तक फाड़ दिया रहता। एक हल्का सा और एक वाटर क्रॉसिंग, उई ये पानी उड़ गया,
लग गए। तो हम लोग जिस पास से निकलने के बाद अराउंड एक आधे घंटे में ही एक बहुत ही खूबसूरत लेक के पास पहुंचे, जिसका नाम है दीपक तल। बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, पानी एकदम ट्रांसपेरेंट है, एकदम ग्रीनिश लग रहा है, और हाफ दीपक तल का जो हाफ पोर्शन है उसके आगे एकदम स्काई के रिफ्लेक्शन के वजह से यहाँ पे आपको ब्लूइश दिख रहा होगा। और यहाँ से आगे वाले साइड पे है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, वो वाला एकदम ग्रीन लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, एकदम रिफ्रेशिंग लगा। पानी आप देख सकते हो एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, पूरे रॉक्स वगैरह सब दिख रहे हैं। तो ऑफिशियली अभी आप लोगों ने जो देखा, जिंजिंग बारला स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे इंडियन ऑयल का भी आर्मी के लिए बनाया गया पेट्रोल पंप है, बट नॉर्मल सिविलियंस के लिए ये ओपन नहीं है। ये माउंटेन्स देखते हुए मुझे अब ऐसा लग रहा है, ये सामने वाला जो स्नो वाला माउंटेन है, कि हम लोग अभी बारालाचा चढ़ना वहाँ से स्टार्ट करेंगे और बारालाचा ऊपर लगेगा। अभी तक बारालाचा का बोर्ड नहीं देखा है मैंने, थोड़ा रोड खराब है शायद। अच्छा, रोड पूरा धसा हुआ है तो उसके वजह से वहां से उल्टा आने वाले लोगों के लिए ये थोड़ा रिस्की है। जैसे जैसे बारालाचा पास आ रहा है रोड खराब होता जा रहा है। और ये कौन सा लेक है भाई, ये बीच में अचानक मैंने देखा है, ये मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा लेक है। और ये क्या ब्यूटीफुल लेक है, देखिए आप। दीपक तल के बाद हम लोग और एक लेक के पास पहुंचे हैं जो इससे भी काफी फेमस है, वो है सूरज तल। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, बहुत ही प्यारा सूरज तल है। अभी बारालाचा बचा है कुछ 6 किलोमीटर, और आप देख सकते हो बहुत तगड़ा स्नो है और हवा भी तेज चल रही है, इसलिए मेरा पूरा हाथ हिल रहा है इधर उधर। चलिए फिर निकलते हैं अपने मेन एडवेंचर, अपने मेन पड़ाव की ओर, जो है बारालाचा। चलिए हम लोग निकलते हैं। चेतन को थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, एक्चुअली सबको ही हो रहा है, बट उसको थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम लोग ले लेते तो उसको बोला मैंने कि सब सांस नाक से ना ले, थोड़ा मुंह से भी ले लो, तो छाती फूलती नहीं है। तो चलिए हम लोग निकलते हैं बारालाचा की ओर। 5 ही मिनट में हम लोग पहुंच गए बारालाचा। ये है हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला, वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड बारालाचा पास। पहुंचे फाइनली बारालाचा। काफी वैसे बोलेंगे मैं आसान चढ़ाई थी, ज्यादा कुछ हर्डल नहीं हुआ। तो चलिए निकलते हैं, विंड बहुत स्ट्रांग है और सर पकड़ रहा है। चेतन का हालत थोड़ा डाउन है, चलिए भागते हैं डायरेक्टली आगे। अब अपन अटेम्प्ट करते हैं बाद अपने को रोड के बगल में ये बर्फ मिली है, और रोड भी खराब है अच्छा खासा। जून
2018 के आसपास मैं आया था, तो दोनों साइड बर्फ थी, ये दोनों साइड बर्फ थी और 15 फीट ऊंची बर्फ के बीच में से, वॉल के बीच में से हम लोग साहिल में समाधान और योगेश वगैरह हम सब लोग आ रहे थे। सैलिंग कर रहा हूँ अभी मैं खड़ा होके। ये वाला जो सामने वाला लेक था, लास्ट टाइम हम लोग इधर काफी देर तक रुके थे, वो भारी व्यू था उसका। और माँ की आग, ये देखो वाटर क्रॉसिंग भाई साहब, अच्छा है। तो साहिल यहाँ से ऐसे घूम के गया, यहाँ पे भी अच्छा खासा डीप है और मैं नहीं चाहता कि मेरे शूज गीले हो जाए, तो मैं भी साहिल की तरह ही घूम के जा रहा हूँ। चेतन बग कैसे ये तो है? अरे भाई मेरे को नहीं गीले करवाने जूते अपने। पैर मैंने ऊपर ले लिए थे, मैं वाला नहीं भीगना है भाई अपने को। और सामने का जो एरिया है ये प्रॉपर लेक जैसा, फ्रोजन लेक जैसा बना हुआ था, तो मुझे लगा था लास्ट टाइम कि ये सूरज तल है। अभी बजे 1 दोपहर के और 5 घंटा लगा हम लोगों को, 5 घंटा नहीं 4.5 घंटा, क्योंकि हम लोग रुकते हुए वीडियो ड्रोन शॉट्स बनाते हुए आ रहे। और अभी भाई जोरों की भूख लगी। पीछे का जो युमानसो करके लेक था, पूरा ड्राइडअप लेक, तो उसके जस्ट 500 मीटर आगे यहाँ पे कुछ हट्स बने हुए हैं 5-6, वहाँ पे हम लोग खाने के लिए रुके हुए क्योंकि बहुत भूख लगी है और पेट में से पूरे चूहे कौवे सब चिल्ला रहे और अपना चेतन भाई का थोड़ा हालत भी डाउन है। तो यहाँ से अभी अराउंड सरचू बचता है 50 किलोमीटर, तो मेरे हिसाब से 1.5 घंटे का रास्ता है और अभी बजे है 1 दोपहर का 1 बजे, तो आराम से खाना खाते पेट भर के और थोड़ा रेस्ट भी करते, क्योंकि मेरे दिमाग में था सोमोरीरी जाने का, बट रादर देन हम लोग सरचू रुक के स्टे करते हैं, क्योंकि काफ़ी फोटो वीडियो सिनेमेटिक लेते हुए हम लोग आ रहे हैं तो टाइम गया है। सो खाना खाते और फिर निकलेंगे सरचू के लिए। जस्ट टोमेटो सूप पिया, बारला चम में जो ठंडी हवा की वजह से जो नाक ऐसा पूरा चम के बैठा था एकदम क्लीन हो गया। कैसा लग रहा है? ब्रर हो गया। आज कुछ अलग खाना ट्राई करेंगे, राजमा, राजमा के साथ ऑमलेट। एक्चुअली फ्राइड राइस है तो फ्राइड राइस का समझ। हम लोग जिस जगह पे रुके हुए हैं वो जगह पे इतना तेज धूप है, मतलब सनराइज इतने हार्श है कि थोड़ी देर पहले मैं अभी गॉगल लाने के लिए बाहर आया, हम लोगों को लगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना आसमान की ओर, हम लोगों को पूरे अलग कलर लग रहे हैं। आसमान ब्लू नहीं है, एकदम डार्क नीला है, जैसे सैचुरेशन फुल किया है। तो मैं जस्ट गॉगल लाने के लिए बाहर लाया, मेरा एकदम आँख ऐसा हुआ जैसे पर्पल वगैरह दिखने लगा मेरे को और सर घूमने लगा उसके वजह से। अभी बस चेतन हम लोगों का खाना खाके हुआ है साहिल का और मेला, चेतन का हालत बहुत डाउन है तो वो सोया था 1 घंटा, अभी खाएंगे वो खाएगा और उसके बाद अभी अराउंड 2 बजे है हम लोग निकलते सरचू के लिए। सिर्फ 1 घंटे का जर्नी बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा, थोड़ा ड्रोन शॉट वगैरह भी लेना है और हम लोग सरचू पहुँच जाएंगे। और साहिल ने एक मास्क थी फोटो के लिए, मज़ेदार सी एक टोपी लिए क्योंकि उसके ऊपर एक्चुअली बहुत सूट हो रही है। नाइस। ये जो पूरा प्लाटू है, ये जो आप देख रहे हो, ये बकरे वगैरह सब चर रहे हैं, ये पूरा सरचू है। राइट साइड पे आप देख सकते हो ये कैंप साइट्स वगैरह है पूरी। हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि सीन ऐसा है कि फर्स्ट टाइम हम लोग
जब यहाँ रुके थे तो रात में बहुत हवा तेज चलती है। रात में क्या, अभी भी तेज चल रही है, तो नींद अच्छे से नहीं लग पाती और फिर चिड़चिड़ हो जाती है। ऊपर से यहाँ पे लो ऑक्सीजन बहुत होता है ये प्लेस पे, तो ब्रीद इन ब्रीद आउट में भी बहुत इशू आता है, जैसे अभी चेतन को आ रहा है। तो थोड़ा आगे रुकेंगे, हिमाचल और लद्दाख का जो बाउंड्री है वो क्रॉस करने के बाद तुरंत कैंप साइट से, तो वहाँ पे जाके हम लोग स्टे करेंगे। तो हम लोग पहुंच गए सरचू, अभी देखते हैं कहाँ रहना है क्या करना है, थोड़ा चेंज ऑफ प्लान है। सीन ये वो है कि बजे 4:15 और हम लोग सरचू में आके रुके थे, बट काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो चेतन का ये बोलना था कि उसको अच्छा भी लग रहा है और टाइम भी बहुत है, तो 4 मतलब ऑलमोस्ट 1/4 day बचा हुआ है। तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि 2 hours पे पांग है यहाँ से, तो हम लोग पांग पुश करेंगे। स्ट्रेट एंड प्लेन हाईवे है सर्च के बाद, हम लोग लिटरली गाड़ी 80 से भगा रहे हैं। पीछे वाला जो इसकी ब्रिज था, उसके बाद में लगता है रोड का काम चालू है, तो खराब रास्ता है। और आगे आप ये माउंटेन्स देख सकते हो, इनकी विशालता का कोई प्रमाण नहीं है काटा लुप्स का। और ये हेयर पिन से टोटल 22 आई गेस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 21 है या 22 है, चलो 22 पकड़ते, एक अपना वाला जोड़ देते अगर 21 है तो। भाई ऊपर पूरा जाम लगा हुआ है, ये देखो पूरा जाम है, और एक के बाद एक ट्रक सब आ रहे। और भाई ले ले क्या है ये ऑफ रोड, कैसे तो करके चढ़ा है। और भाई मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, लगता है मैंने थोड़ा एक्सेलरेटर भी खींच के रखा था इसकी वजह से। यहाँ पे थोड़ा डेंजर सा सिचुएशन बना हुआ है, गाड़ियाँ ओ टर्न नहीं ले पा रही है और गड्ढा है अच्छा खासा बना हुआ, तो एक साथ में टर्न नहीं ले पा रही है गाड़ियाँ, तो इसके वजह से थोड़ा जाम था। घाटा लूप्स के बाद गाड़ी चलाए जा रहे ना, नकीला पास आ रहा है ना चुंगला। अभी मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं खाली गोल 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 घूम रहा हूँ लूप्स में, लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा ऐसा लग रहा है। तो ये है नकीला पास, 15,547 फीट पे, और आगे हम लोग को और वो वाला सब सेक्शन क्रॉस करना है। अरे भाई साहब, अभी वापस ऊपर चढ़ाई देख रही है वो लाचुंगला पास है। नकीला के बाद विस्की नाला करके एक बीच में प्लेस आता है लाचुंगला, और उसके बीच में वहाँ पे चाय वगैरह पिए, और चेतन को फुल उल्टी हुआ, उसमें थोड़ा खून भी निकला हुआ है। तो हम लोगों ने अभी ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग पांग के लिए पुश करेंगे, वहाँ पे रुकने का प्लान था, मतलब हम लोग बोल रहे थे रुकते रुकते,
बट वो खुद मानने को तैयार नहीं है। इसको ओवरटेक करना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये मेरे को नहला देगा। विस्की नाला से मैं हार्डली 15 मिनट में ला चूंगा टॉप पे पहुंचाऊ। ये 16,616 फीट ला चूंगा। इतनी खतरनाक भगाई है मैंने बाइक, इतनी खतरनाक भगाई है। हो ये तो अच्छा खासा बड़ा है मोटर क्रॉसिंग। अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, चलाते जा रहे चलाते जा रहे। कंपेयर टू कैटलूस वाला ये फिर भी प्लेन है, खराब है ऊपर नीचे, पर गाड़ी एटलीस्ट 40-30-40 स्पीड से चल तो रही है। और ऊपर देखिए कि माउंटेन पे सूरज की रोशनी पड़ी हुई है, 7 बजे है और रोशनी अभी भी अच्छी खासी है। और पांग बचा है अभी 12 किलोमीटर, इसका मतलब एक 20 मिनट में हम लोग पहुंच जाना चाहिए। काटल के बाद कम से कम मैंने एक आधा किलो धूल खा ली है। और एक ट्रक, अरे भाई आफ्टर सो मच हार्ड वर्किंग आता आपल्याला हे फळ मिळतंय। झाडो झाडो धूळ झाडो। किती किलो धूळ घेतली? अर्धा किलो तर खाल्ली नेट। ओके नाइस, उद्या आपण ते विकू कुठेतरी रस्त्यात। तो हम लोग पांग में पहुंचे अराउंड लाइक 8 बजे के आसपास। और उसके बाद में चेतन का थोड़ा तबीयत डाउन था, बट नाउ ही इज फाइन। और आने के बाद मैंने और साहिल ने चाय पिया और उसके बाद में जो एसिडिटी हुआ मुझे और सर पकड़ लिया, तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठंड भी बहुत ही खतरनाक, तो मैंने एक एसिडिटी का गोली लेके मास्क ब्लैंकेट में लेट गया मैं। तो अभी बजे है 10:45, तो एक 1.5 घंटे बाद अभी एकदम मस्त लग रहा है, फ्रेश। और हेडेक वगैरह नथिंग, एसिडिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छा लगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कल का प्लान थोड़ा एडवेंचरस है, अच्छा है। तो आज का ब्लॉग अपन यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, उस जिसमें मैं जाऊंगा अभी सोमोरीरी। तो वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, और मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है।